मोहन जी, बाबू जी, कपूर जी, विक्की जी, आप सभी दस्तूर पदाधिकारी एवं दुकानदार भाई। वैसे तो अभी जगमोहन जी ने कहा भाई बिजली पानी ना तो किसी दुकानदार को बिजली मिलती ना पानी मिलती, हमारा तो बिल कोई 20 जा गया तो पानी का बिल आ जाए, बिजली का बिल आ जाए, ना तो कोई बिजली मिलती ना कोई पानी मिलता, किसी गरीब कॉलोनियों में मिलती होगी उसका हमें तो बल्कि देना पड़ता है। आप दिखा लो दुकानदार आदमी क्या नहीं देता है। सबसे पहले रोजगार देता है एक दुकानदार, 2-4-10 आदमी, उसके बाद वो कितने कितने हाउस टैक्स, कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग, इनकम टैक्स, मतलब आप देखोगे GST। तो ये गवर्नमेंट में कैसे चल रही है दुकानदारों से, दुकानदार GST देता है वो खर्चे में आता है, GST कलेक्शन 1,25,000 रुपये करोड़ महीना है, वो सिर्फ दुकानदार देते इकट्ठा करके जब ही गवर्नमेंट चलती है। तो वो मुफ्त, जो मुफ्त का मिल रहा है वो तो और किसी को मिल रहा है, मेरा ख्याल कोई दुकानदार बता दे मुझे किसी का बिल बिजली फ्री आ रहा हो या किसी का घर का फ्री आ रहा हो, किसी दुकानदार का नहीं आता। उसके ऊपर तो तलवार लटकी रहती है हमेशा, जो भी चार्ज लगेगा दुकानदार पर लगेगा, चाहे लाइसेंस बनवा रहा हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, एक और लगा दिया है 2,000 रुपये महीने का, एक और लगा दिया है लाइसेंस भी 17x फीस, अरे कोई हिसाब थोड़ी है, ये तो सरकार जो भी आएगी वो खाएगी। अब हमने एक इशू, फिलहाल हमारी जो प्रॉब्लम है, देखो खुराना जी के बारे में कोई बड़ाई करने की जरूरत नहीं है, एक बच्चा बच्चा जानता है, सबके काम आने वाले। अभी इन्होंने अपनी रसोई शुरू करी है जहाँ 500-700 आदमी, मैं भी जाता हूँ उसमें, मैं भी भागीदार हूँ, 500-700 आदमी फ्री खाना खाते हैं, 5 रुपये को डाल जाए, आप सबको पता है कोई 5 रुपये वहाँ डाल जाए ना डाल जाए कोई बात नहीं, उसकी मर्जी है, 5 रुपये डाल जाओ, फिर भी इतना पैसा आ रहा है इनके पास, इन्होंने आग ली अपनी दुकान दी वहाँ, भाई ये काम करो। फिर रेलवे कॉलोनी के बाहर भी 300 आदमियों को जैसे खाना खिलाया जा रहा है, जो काम जिसका इंटरेस्ट होता वही काम करता है। इतना ठीक है, राजनीति भी एक जगह है, बगैर उसमें आए सेवा भी नहीं होती, उसमें बगैर आए सेवा नहीं होती, पावर तो जब ही आएगी ना, ये तो किसी पास जाके करके वो करवानी पड़ेगी। अगर ऐसे आदमी आ जाए, और जैसा आओ या ना, हमने तो सपोर्ट करना है दिल से, सबसे बड़ी बात ये है, आप सब बैठे एक बार ताली बजा लो, तो खुराना जी खड़े हैं, हमने तो दिल से सपोर्ट करना है बस। और मैं खुराना जी के बारे में तो क्या कहूँ, हर आदमी जो भी आधी रात में कोई चला गया खड़े होकर चल दिए, हाँ भाई काम किया, जो हमारे आदमी काम आए हमने तो उसी का अपना फेवर करना, अपना देखना है, हमने कोई मतलब नहीं किसी पार्टी से, हमने तो अपना देखना है, खुराना महारा है, कल जाएंगे काम आएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।